जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम अपने स्मार्टफोन को वन हैंड मोड में कितने अच्छे तरीके से एक्सेस कर पा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आप भी अपने स्मार्टफोन को वन हैंड मोड में कैसे यूज कर सकते हैं, और साथ में यह भी बताएंगे कि कंपनी ने आपके मोबाइल फ़ोन में यह सेटिंग्स क्यों दी है। तो चलिए जानते हैं। उसके पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मैं हूँ सुजय और आप देख रहे हैं सुजय इन्फोटेक। अब तक भी आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रही सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे रेगुलर अपडेट मिलती रहे। चलिए जानते हैं कि वन हैंड मोड को अपने स्मार्टफोन में कैसे इनेबल करें। उसके पहले आपको बताते हैं कि कंपनी यह आपके फ़ोन में सेटिंग्स क्यों देती है। तो आपको बता दें कि आजकल जितने सारे स्मार्टफोन आ रहे हैं उसमें लगभग 5.5 इंच से प्लस के डिस्प्ले आ रहे हैं, 6-6 इंच के डिस्प्ले आ रहे हैं। इस स्थिति में इतने लंबे डिस्प्ले वाले फ़ोन को एक हाथ से चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और गिरने का चांस रहता है। इसलिए कंपनियां ने अपने स्मार्टफोन की सेटिंग्स में यह फीचर ऐड की है, जिससे अगर आप अपने फ़ोन में इनेबल कर लेते हैं तो आपका जो स्क्रीन है मिनिमाइज हो जाएगा और आप एक हाथ के सहारे अपने स्मार्टफोन को इजीली अपने विंडो को स्क्रीन के विंडो को जिधर चाहे उधर मूव करके इजीली एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि अब इसे इनेबल कैसे करना है। तो सिंपल, इस सेटिंग्स को इनेबल करने के लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग्स में जाएँ। आपको बता दें कि अगर आप सैमसंग का स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो आप हमारी प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं, अन्यथा आप सेटिंग्स में आएंगे तो यहाँ पर आपको सर्च का एक आइकन मिलेगा, वहाँ पर आप टाइप करेंगे वन हैंड मोड तो आपको यह ऑप्शन दिखने को मिल जाएगा। सैमसंग का आपका फ़ोन है तो आप हमारी इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। तो सिंपल, आप सेटिंग्स में आएंगे, सेटिंग्स में आने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा एडवांस फीचर का। तो सिंपल आप इस एडवांस फीचर पर क्लिक करेंगे, उसी में आप थोड़ा नीचे देखेंगे तो एक ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वन हैंड मोड। तो सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपल आपको इसे ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह के पॉपअप्स होंगे तो सिंपल आपको ओके कर देना है। उसके बाद नीचे दो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, गेस्चर और बटन। इसका मतलब यह है कि आप अपने जो भी स्क्रीन को वन हैंड मोड में एक्टिवेट करना चाहेंगे किस तरीके से, यानी कि आप इस तरह से स्वाइप करेंगे तब होना चाहिए या आप अपने होम बटन को डबल टैप करेंगे तब, तो आप अपने इच्छा अनुसार से कर सकते हैं। फिलहाल हम होम बटन पर क्लिक करते हैं। अब आप देखेंगे कि हम अपने होम बटन को अगर डबल टैप करते हैं तो ये जो स्क्रीन का जो पॉपअप है वो स्मॉल में हो जाएगा, यानी कि वन हैंड मोड में एक्टिवेट हो जाएगा। तो चलिए हम डबल टैप करते हैं। देख सकते हैं हमने डबल टैप किया तो हमारा स्क्रीन छोटा हो गया और इस तरीके से हमारे हाथ में अच्छे तरीके से आ गया और इधर जिधर चाहे उधर हम क्लिक करके अपने स्मार्टफोन को अच्छे तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये सेटिंग के बगल में जो आप एरो देख पा रहे हैं, इस पर क्लिक करके आप अपने स्क्रीन को लेफ्ट राइट कर सकते हैं। फिलहाल हम इस वीडियो में बताना भूल गए थे, ओवरलैप करके इस साउंड को ऐड कर रहे हैं। आप इस तरीके से अपने स्क्रीन को दाएँ बाएँ करके भी यूज कर सकते हैं। सेटिंग्स में जा करके आप इसे बंद कर सकते हैं वन हैंड मोड एक्टिवेट को। तो दोस्तों, कुछ यही जानकारी थी जो कि हमने आपका साथ शेयर किया। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।